नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ, मैं हूं माधुरी कलाल। खबर दोपहर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबर कोटा से आ रही है, जहां काउ कैचर में महिला का पैर फंस गया है। जेगलोन अस्पताल के मुख्य गेट का यह मामला है, जहां काउ कैचर में एक महिला का पैर फंस गया। फिलहाल गैस कटर से काउ कैचर को कटवाया गया। डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद महिला का पैर निकल पाया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी कलेक्ट्री के बाहर कोटा में ही इस तरह का मामला देखने को मिला था, जहां पर एक महिला का पैर काउ कैचर में फंस चुका था, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद उस महिला का पैर निकाल पाए थे। इस बार फिर से कोटा में ही काउ कैचर में महिला का पैर फंस गया। जेकेलोन अस्पताल के बाहर ये वाकया देखने को मिला, जहां गैस कटर से उस काउ कैचर को कटवाना पड़ा। बहुत देर तक वो महिला मशक्कत करती रही अपने पैर को निकालने की, लेकिन उसके बाद आखिरकार गैस कटर से उस काउ कैचर को कटवाया गया। डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद महिला का पैर निकल पाया और जगह पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग अपनी अपनी कोशिशों के साथ उसे वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब कोशिश कामयाब नहीं हो पाई तो फिर उसके बाद गैस कटर से काउ कैचर को कटवाना पड़ा। ये भी पहली वारदात नहीं, आपको बता दें कि पहले भी कोटा में ही इस तरह की एक घटना देखने को मिली थी, जहां पर एक महिला दो घंटे तक अपना पैर निकालने के लिए मशक्कत करती रही, लेकिन जब उसका पैर नहीं निकल पाया तो उसे भी गैस कटर से कटवाया गया। ये बात कोई आम नहीं। और इस बार फिर से जेकेलोन अस्पताल के बाहर इस महिला का पैर इस काउ कैचर में फंस गया। काफी कोशिश की गई लोगों के द्वारा, लेकिन नहीं निकला, तो डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद उस काउ कैचर को गैस कटर से कटवाना पड़ा। ये तो जाल लगा हुआ ना, निगाह से तो गलत है, लेकिन प्रशासन ने क्यों लगाया है ये तो वही जाने। एक बार फिर काउ कैचर में पैर फंसने के बाद आफत में है महिला। जेकेलोन अस्पताल के मुख्य द्वार पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहां पर महिला का पैर फंसा हुआ है। बीते डेढ़ घंटे से यहां पर महिला को निकालने के लिए मशक्कत जारी है। गैस कटर, ये कटर मंगवाया गया है, जिससे इस मोटे एंगल वाले जो काउ कैचर को काटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत भारी सरिया होने के वजह से इसको काटने में सफलता नहीं मिल पा रही है। अब से पहले भी जो जिला न्यायालय का मुख्य द्वार है, वहां पर इस तरह से महिला फंस गई थी, लेकिन उसके बाद भी सवाल यही है कि यहां पर सबक नहीं लिया गया, और जिसके बाद फिर एक महिला यहां पर हादसे का शिकार हुई है। दो घंटे से परेशान है, दर्द से कराह रही है, परेशान हो रही है। उम्मीद की जा रही है करीब आधा घंटा और लगेगा, जिसके बाद जाकर के कहीं जाकर के इस मोटे सरिये को काटा जा सकेगा और महिला को बाहर निकाला जा सकेगा। कैमरामैन सक्सेना के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया कोटा। जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है, पहले भी जिला न्यायालय के बाहर इस तरह का वाकया देखने को मिला था, जब एक महिला का पैर ही काउ कैचर में फंसा था। इस बार फिर से फंसा है, क्या प्रशासन से कोई इस बारे में बातचीत होती है कि जो इंतजाम जानवरों को अंदर जाने से रोके जाते हैं, उसमें कई बार खुद ये कहें कि इंसान ही उसमें फंस जाता है, और इस बार फिर से क्या अपडेट फिलहाल, क्या उसे निकाल लिया गया है? माधुरी, देखिए फिलहाल अगर बात करें तो महिला को निकाल लिया गया है, महिला पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस तरह के हादसे जब बार बार पेश आते हैं, इस तरह की तस्वीरें जब बार बार सामने आती हैं, जिसके बाद भी जानवरों को रोकने के लिए इस तरह का जो ये पूरा जाल बनाया जाता है जो मुख्य द्वार पर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बनावट में खामी है, जिसको लेकर के में जो बीच में गैपिंग होता है वो इतना होता है कि जब कोई शख्स अंदर जा रहा होता है तो उसका पैर अमूमन यहाँ पर फंस जाता है। अगर बात करें बीते छह महीने में तो इस तरह के तीन मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी एमबीएस अस्पताल पे आया था, जिसके बाद न्यायालय परिसर में, और अब ये तीसरी तस्वीर कोटा जेकेलोन अस्पताल के बाहर मुख्य द्वार की है, जहाँ पर महिला का जो बच्चा था वो अस्पताल में एडमिट था, अपने बच्चे के इलाज के लिए महिला अंदर जा रही थी, लेकिन खुद आफत में आ गई, खुद की जान यहाँ पर आफत में आ गई। डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद में गैस कटर की मदद से महिला को निकाला गया। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब इस तरह की हादसे पेश आते हैं, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो आखिर इनसे सबक क्यों नहीं लिया जाता? आखिर क्यों जो इस तरह के काउ कैचर बनाए जाते हैं, जिसमें जिससे जानवर को नहीं बल्कि इंसान मुसीबत में आ जाते हैं, इंसान की जान आफत में आ जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आपको बताएं कि काफी मशक्कत के बाद उस महिला को वहां से निकाल लिया गया है। इधर बीकानेर से खबर, जहां नो एंट्री जोन में ट्रक के घुसने से लोग नाराज हुए हैं क्योंकि महिलाओं ने यहां पे रोड पर भी जाम लगा दिया। आपको बता दें कि बुधवार रात को नो एंट्री में घुसे एक ट्रक से मोपेड सवार घायल हो गया था और इसके बाद ही बेकाबू ट्रक के मकान को भी, बेकाबू जो ट्रक था उसने मकान को भी नुकसान पहुंचाया और उसके बाद लोगों में रोष फैल गया। लोग इसलिए गुस्सा है कि नो एंट्री जोन बनाया गया है, उसके बावजूद इसमें ट्रक के घुसने से महिलाओं ने रानी बाजार रोड पर जाम भी लगा दिया है। ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि आखिर नो एंट्री होने के बावजूद ट्रक को किस तरह से यहां इजाजत दी गई, कैसे परमिशन दी गई। और उससे आपको बताएं कि बुधवार रात को जब नो एंट्री में एक ट्रक घुसा तो मोपेड सवार एक व्यक्ति घायल हो गया था। इधर बेकाबू ट्रक ने एक मकान को भी नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद महिलाओं में रोष है और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ ये प्रदर्शन, महिलाओं ने रानी बाजार में, रानी बाजार रोड पर जाम भी लगाया है। सूरतगढ़ के साहूवाला गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अवैध संबंधों के चलते पति ने अपनी पत्नी और प्रेमी को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। वारदात आज सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक आरोपी खेमचंद ने अपनी पत्नी को युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा तो खुद को संभाल नहीं पाया और आवेश में आकर खेमचंद ने तलवार से दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी खेमचंद खुद ही सदर थाना पुलिस पहुंचा और सरेंडर कर दिया। जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता कुलदीप गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, फिलहाल क्या अपडेट, पुलिस की कार्रवाई क्या? जी फिलहाल पुलिस ने जो दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव है उनके परिजनों को सौंप दिए हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस ने शुरू कर दी है, क्योंकि जिसने हत्या की थी वो पति है, जो उसने खुद ही सरेंडर कर दिया था तो पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और अब आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। जी माधुरी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जानकारी पहुंचाने के लिए। जोधपुर के बाप एरिया में महिला का शव पिछले 43 घंटे से सीएचसी पर पड़ा है। हालांकि महिला के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से हो गया है, उसके बाद महिला के परिजन हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। परिजनों का कहना है कि महिला के मोबाइल कॉल के डिटेल के आधार पर जांच की जा सकती है। महिला के परिजनों की मांग है कि जब तक एसपी खुद आकर मामले की जांच शुरू नहीं करवाते तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। आपको बता दें कि महिला की पहचान नखत राम के रूप में हुई है। परिजनों को अंदेशा है कि नखत राम की बलात्कार के बाद हत्या हुई है। कोटा के चंबल नदी में बहता शव देखने पर सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त 2 दिन से लापता रहने वाले हीरा के रूप में हुई है। दरअसल नहर के किनारे पुलिस को एक मोटरसाइकिल और कपड़े मिले थे, जिसके बाद किशोरपुरा थाने में हीरा तलवाने की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने उसी आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाया। जांच में पता चला कि हीरा घरेलू विवाद के चलते लंबे समय से तनाव में था और तनाव के चलते हीरा ने नहर में कूद कर खुदकुशी कर ली। दौसा के भगलाई गांव के पास स्कूल वैन पलटने से 2 छात्राएं और 1 छात्र घायल हो गया। तीनों दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल छात्र छात्राएं सूर्यनगर स्थित कल्याण विद्यापीठ के 11वीं के स्टूडेंट है। तेज गति की वजह से वैन बेकाबू होकर पलट गई थी। इस हादसे के बाद वैन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव, जहां एक छात्र और 2 छात्राएं घायल हो गई। तीनों को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया और इनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन इधर ये बच्चे 11वीं के स्टूडेंट थे सूर्यनगर स्थित कल्याण विद्यापीठ के। तेज गति से ये वैन चल रही थी और बेकाबू होने की वजह से पलट गई। हादसे के बाद वैन का जो ड्राइवर था वो फरार हो गया। बगलाई के पास में एक स्कूल की मारुति वैन पलट गई है और मजरूफों को हॉस्पिटल ला रहे हैं, तो मैं हॉस्पिटल आया हूँ। यहाँ 2 बच्ची हैं और 1 बच्चा है। उनके बच्चों के गार्जियंस बता रहे हैं कि स्पीड में थी मारुति वैन जिससे वो पलट गई, जिसमें 2 बच्ची और 1 बच्चा मजरूफ हुए हैं। इनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है।
जयपुर में पीएनबी एटीएम में लूट की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। सीकर हाउस स्थित एटीएम को लूटने देर रात 5 से 6 की संख्या में बदमाश पहुंचे थे, लेकिन रात्रि गश्त दल की सतर्कता से लूट की वारदात नाकाम हो गई। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया। इधर सेंट्रल सर्कल थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां ये पीएनबी का एटीएम उपस्थित है। जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस एटीएम को काटने की कोशिश की गई, इसको तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन रात्रि गश्ती दल की सतर्कता के कारण ये बदमाश इस प्रयास में नाकाम रहे। और इस तरफ पुलिस को कामयाबी ये मिली कि एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, और उसके बाद हो सकता है कि कुछ और खुलासे भी हों। पूछताछ के लिए उसको अपने पास लिया तो एकदम ध्यान आया कि यह वही व्यक्ति है जिसने पिछले साल भी इसी प्रकार का अटेम्प्ट इसी स्थान पर इसी एटीएम में इसी बैंक की शाखा में किया था। पिछले साल भी मुकदमा दर्ज किया गया था इसके खिलाफ और इसको अरेस्ट किया गया था और ये इसको सजा भी हो गई है। 8 माह की जेल की सजा काट के अभी कुछ समय पहले ही आया था और पूछताछ में इसने बताया कि मैं दिन में फेरी लगाता हूँ और इसको मौका मिला इसने फिर ये दोबारा अटेम्प्ट उसी शाखा में किया। जयपुर शहर में एक और एटीएम लूट का प्रयास, लेकिन ये लूट का प्रयास विफल हो गया, वो भी पुलिस की रात्रिकालीन गश्त के चलते। उस वक्त हम उस एटीएम के अंदर मौजूद हैं, पीएनबी का एटीएम है जिसको प्रयास किया गया। तकरीबन 5 से 6 लोग बताए गए पुलिस की जानकारी में सामने आया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक आरोपी को पुलिस ने मौके से दबोच लिया। ये देखिए, सेफ को तोड़ने की कोशिश की, पूरी प्लानिंग के साथ में आए थे और अंदर तक जाने की कोशिश की गई। तो ये जो जितने भी ये लोग आए थे, जो बदमाश आए थे, ये अपने आप में शायद वेल इक्विप्ड तो थे, लेकिन इनके पास किसी जानकारी की कमी थी, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो जानकारी लेके आते हैं, वो सीधे सेफ पे जाते हैं और सेफ को गैस कटर से जो काटने का प्रयास करते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से रात्रिकालीन पुलिस की जो गश्त थी, उसको मालूम पड़ा कि यहाँ किसी तरह की हरकत हो रही है, मौके पर पहुंची, बाकी के जो बदमाश थे वो भाग गए, लेकिन एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। उधर जयपुर के ही डाबास गांव में एसबीआई एटीएम में भी लूट की कोशिश की गई। 2 बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को लूटने का प्रयास किया। गार्ड के साथ मारपीट की गई और एटीएम में तोड़फोड़ भी हुई। राजधानी के करनी विहार थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो आपको बताएं कि एक तरफ जहां संजय सर्कल स्थित पीएनबी के एटीएम में लूट की प्रयास को नाकाम पुलिस ने किया, दूसरी तरफ एसबीआई एटीएम को लूटने की भी कोशिश की गई जयपुर के हिदाबाज गांव में, लेकिन वो भी नाकाम रही। इधर 2 बदमाशों ने इसी एसबीआई के एटीएम को लूटने का प्रयास किया होगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि वे भी नाकाम रहे। राजधानी के करनी विहार थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। जी हाँ, राजधानी के एटीएम ही महफूज नहीं है ये कहा जा सकता है, क्योंकि एक ही रात में जयपुर के 2 अलग अलग इलाकों में एटीएम को बदमाशों ने निशाना बनाया है। पहली वारदात संजय सर्कल पर हुई, जो पीएनबी के एटीएम को लूट कर प्रयास किया गया। इधर दूसरी वारदात करनी विहार क्षेत्र में स्थित एसबीआई एटीएम में हुई है। दोनों ही वारदातों में एटीएम मशीन में तोड़फोड़ भी की गई। खबर, धौलपुर विधायक बनवारी लाल कुशवाहा की तबियत खराब है और छात्र नेता नरेश कुशवाहा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में वे न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे थे। विधायक को अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें राजकीय मंगल सिंह चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। जेल में बंद विधायक को सुबह ही सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिस पर जेल प्रहरियों की देखरेख में विधायक को डॉक्टर्स को दिखाया गया, जहां डॉक्टर ने विधायक की जांच कर मंगल सिंह चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती कर दिया। अभी फिलहाल आपको बता दें कि बेल कुशवाहा का इलाज चल रहा है और भी डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में है। जेलर की प्रार्थना पर यहाँ धौलपुर दिखाने आए थे, उनको छाती में दर्द की शिकायत पर सीनियर पेशेंट डॉक्टर त्यागी ने आईसीयू में भर्ती किया और उनका इलाज डॉक्टर पाल सिंह यादव साहब में चल रहा है। उन्होंने जो बताया है उसके अनुसार उनका इसी सामान्य है और बाकी उनका उपचार जारी है।
दो दिन के बंद के बाद आज फिर से प्रदेश की मंडियों में तेल और दाल मिलों में रौनक लौट आई है। राजधानी सहित प्रदेश की सभी मंडियों में आज किसानों, पल्लेदारों और व्यापारियों की आवाजाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें, तिलहन की स्टॉक लिमिट तय होने के विरोध में पिछले दो दिनों से प्रदेश की 247 मंडियां, 1200 तेल मिले और 350 दाल मिले बंद थी। व्यापारियों ने सरकार को 3 दिन का समय दिया है और उस समय में अगर सरकार व्यापारियों की मांग मानकर कोई बीच का रास्ता निकाल लेती है तो ये रौनक बरकरार रहेगी, वरना एक बार फिर से मंडियों में सन्नाटा पसर सकता है। आज थोड़ा काम चल रहा है तो अच्छा है, दो दिन से काम नहीं चल रहा था तो खाने का भी नहीं बनता था, तो आज थोड़ा अच्छा है, थोड़ा काम चल रहा है। मंडी खुली रहे, बंद ना हो। हाँ, खुली रहना चाहिए मंडी। अब मंडी खुल गई साहब, हमारे 15-20 आदमी परेशान हो रहे थे तो आज थोड़ी घनी बोली लगेगी तो हमारे 5 रुपए बढ़ेंगे, नहीं हम तो खर्चा से परेशान है साहब। अच्छा, दो रोज के बाद काम बिल्कुल भी नहीं चला। दो दिन के बंद के बाद प्रदेश की मंडियों में, दाल मिलों में और तेल मिलों में एक बार फिर से पहले जैसे रौनक लौट आई है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं राजधानी की कुकरखेड़ा कृषि उपज मंडी में। आप यहां देख सकते हैं कि जो मंडी दो दिन से वीरान पड़ी थी वहां पर अब काम शुरू हो चुका है, पल्लेदारों को काम मिल चुका है, व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोल लिए हैं। इसके अलावा जो किसान माल यहाँ पर लेके आ रहा है उसका माल भी ट्रकों से अनलोड होता हुआ यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। स्टॉक लिमिट के विरोध में इन व्यापारियों ने दो दिन के बंद का आह्वान किया था। कल इन व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें तय किया गया कि सरकार को अब स्टॉक लिमिट को लेकर 3 दिन का समय दिया जाना चाहिए। अब सरकार के पास 3 दिन का समय है, अगर सरकार 3 दिन में कोई फैसला नहीं लेती है, कोई बीच का रास्ता नहीं निकालती है तो व्यापारी एक बार फिर से बंद के रास्ते पर जा सकते हैं। उधर कोटा में भी तिलहन पर स्टॉक लिमिट पर दो दिन की हड़ताल के बाद आज मंडियों में खासी रौनक देखी गई। सुबह से ही मंडियों में किसानों की चहल पहल देखने को मिल रही है। मंडियों में माल की खरीद बड़े पैमाने पर हो रही है। बीते दो दिनों से हड़ताल की वजह से किसान खासे परेशान थे, वहीं मंडी में हड़ताल की वजह से करोड़ों का कारोबार भी ठप हुआ। तिलहन पर स्टॉक सीमा लगाए जाने के विरोध में दो दिन की हड़ताल के बाद आज खुल गई है मंडी। मंडियों में आज से फिर आ गई है रौनक। कोटा की भामाशाह मंडी में इस वक्त हम खड़े हुए हैं और देख सकते हैं आप कि कारोबार यहां पर पूरी तरह से शुरू हो चुका है और यहां पर रौनक देखी जा सकती है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से एक बैठक की गई है, बैठक में सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है इस पूरे मामले पर, स्टॉक सीमा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के। सरकार की ओर से इस पूरे मामले में अब तक कोई ना बयान आया है ना किसी तरह का कोई फैसला लिया गया है। ऐसे में तमाम जो व्यापारी, व्यापार संघ इंतजार कर रहा है, जो मंडी प्रशासन, मंडी जो संघ है वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है, जिसके बाद ही जो राजस्थान व्यापार, राजस्थान खाद्य जो पदार्थ जो व्यापार संघ है वो इस पूरे मामले में अपनी आगे की रणनीति के साथ में कोई फैसला करेगा। कैमरामैन सक्सेना के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। राजस्थान से सटी सीमा पार पाकिस्तान चीन की एक्सरसाइज को जवाब देने के लिए भारतीय थल सेना इन दिनों अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है, जिसे नाम दिया गया है बाजगति। युद्धाभ्यास का एरिया करीब 400 वर्ग किलोमीटर है और इसके लिए पहली बार 50,000 से ज्यादा सैनिक जैसलमेर और बाड़मेर में जुटे हैं, जबकि अब तक कभी 30,000 से ज्यादा सैनिक किसी एक युद्धाभ्यास में शामिल नहीं हुए। इतना ही नहीं, पहली बार सेना अभ्यास में जमीन से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों को भी ट्रायल किया जा रहा है। अभ्यास में भोपाल स्थित 21 स्ट्राइक कोर और जोधपुर स्थित 12 कोर के सैनिक शामिल किए गए हैं। युद्धाभ्यास गुपचुप तरीके से 16 सितंबर को शुरू किया गया था, जो दिसंबर तक चलेगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में सेना का बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें थल सेना अध्यक्ष जनरल दलवीर सिंह सुहाग के आने की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों के लिए देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।